नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल की और क्रिकेट की सारी न्यूज आ रही है, तो वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग सच्चे वाले क्रिकेट के फैन हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी जो है सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन टीम के 15 मेंबर के स्क्वाड की, जो कि कल जो है भाई बीसीसीआई ने 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। तो वो क्या है आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो है भाई, जो है मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर, ये सभी जो है प्लेयर्स को 15 मेंबर के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो आप लोग ने भाई स्क्वाड तो देख लिया, तो आपको जो है स्क्वाड को देखने के बाद क्या हो सकती है आपके हिसाब से प्लेइंग 11, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। साथ ही में जो है फाइनल मुकाबले के लिए जिस ड्यूक बॉल का इस्तेमाल होगा, आप लोग वही ड्यूक बॉल जो है अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मतलब कि जो है यही सेम बॉल जो है इसी तरीके का, बहुत सारे सेम तरह के जो ड्यूक का बॉल है वही बॉल फाइनल मुकाबले में इस्तेमाल होगा। ड्यूक बॉल जो है भाई ज़्यादा स्विंग होती है और ज़्यादा देर तक स्विंग होती है। तो वही जो है भाई बहुत लोग अभी भी कन्फ्यूजन में है कि आखिरकार सुनील गावस्कर और दिनेश कार्तिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो है कॉमेंट्री करने को लेकर इंग्लैंड तो पहुंच चुके, लेकिन क्या वो लोग हिंदी में कमेंट्री करेंगे कि नहीं। यहां पे जो है खबर आ चुकी है गावस्कर और कार्तिक दोनों जन जो है फाइनल मुकाबले में सिर्फ इंग्लिश में कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे, वो हिंदी कमेंट्री करते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाले हैं। वहीं जो है भाई आज से चालू हो रहा है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स के बीच में जो है टेस्ट मैच आज से चालू होगा, जो कि दोपहर को 3:30 बजे लाइव आएगा। तब आप लोग जो है ये टेस्ट मैच को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो बड़े आसानी के साथ में, जो कि सोनी टेन वन पे जो है आप लोग बड़े आराम के साथ में ये मैचेस को देख सकते हो। दोस्तों अभी जो है यहाँ पे अपडेट आ रही है इंडिया श्रीलंका के सीरीज़ को लेके। देखिए दोस्तों, आपको बताया था मैंने कि जो इंडिया की टीम है ना, उनका कोई भी फिटनेस का टेस्ट नहीं होगा, वो लोग जो है डायरेक्टली जाएंगे श्रीलंका के दौरे पे, वहाँ पे खेलेंगे। लेकिन भाई हमको पता था कि जो भी टीम जाती है किसी भी दौरे के लिए, उसके पहले जो है वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस मैच तो खेलते हैं। लेकिन इंडियन टीम ने जो है डिमांड तो की थी कि श्रीलंका के साथ हम लोग को प्रैक्टिस मैच खेलना है, लेकिन जो वहाँ की बोर्ड थी उन्होंने जो है साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो है फिलहाल कोविड का केस है, कोविड का मसला है, इसी के चलते जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है कोई भी प्रैक्टिस मैच खेला नहीं जाएगा, ये लोग जो है डायरेक्टली मैचेस में दिखेंगे। अब यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खेमे से, क्या अपडेट है, जहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले जो है हम सभी को मालूम है दौरा करने वाली है, जो कि वेस्टइंडीज़ और बांग्लादेश इनके जो है देश में जाएगी, घर पे जाएगी और ऑसिस की टीम सीरीज खेलेगी, जिसके लिए जो है क्रिकेट ऑसिस के बोर्ड ने अपना स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया। आप लोग स्क्वाड अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लेकिन इस जो है भाई स्क्वाड के अंदर पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, मार्कस टॉयनिस, जाय रिचर्डसन और केन रिचर्डसन, ये सभी लोग ने जो है भाई अपने नाम को वापस ले लिया कि वो लोग जो है ये दौरे पे नहीं जाएंगे ड्यू टू बायो बबल। भाई जो लाइफ होती है बायो बबल की बहुत ही हार्ड होती है, आपको बहुत ही जो है मतलब स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है क्वारंटीन में, इसके लिए जो है थोड़े प्लेयर्स का मेंटल असर भी जो है मेंटल इफेक्ट भी होता है, तो यही वजह है कि ये सभी जो है प्लेयर्स ने नाम को वापस लिया। लेकिन खबर आ रही है स्टीवन स्मिथ है, स्टीवन स्मिथ की जो एल्बो है वहाँ पर इंजरी हुआ है और इसी के चलते स्टीवन स्मिथ भी ये सीरीज में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे एल्बो इंजरी के चलते। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को ऐसे ही जो है क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले पानी है, तो आपको जो है करना कुछ भी नहीं है, मैंने आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है हमारे, उसको जो आपको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। अगर लिंक से ना हो तो आप लोग सिंपली आपके जो है टेलीग्राम के ऐप पे जाइए, ऊपर आप आपको जो है सर्च कर लेना है IPL एंड क्रिकेट विद पवन, इसको सर्च कीजिए और ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अभी 100 बॉल टूर्नामेंट को लेके क्या अपडेट आ रही है। भाई जुलाई के महीने में जो है क्रिकेट का नया फॉर्मेट 100 बॉल आने वाला है, जिसको लेके जो है खबर आ रही है कि एक टीम है मैनचेस्टर ओरिजिनल, इस टीम में जो है पहले कगिसो रबाड़ा खेलने वाले थे, लेकिन अभी जो है रबाड़ा इनकी टीम से नहीं खेलेंगे, तो जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम है भाई, इन्होंने जो है रबाड़ा के रिप्लेसमेंट के तौर पे लोकी फर्गुसन इनको जो है साइन कर लिया है, क्योंकि भाई जो फर्गुसन है वो फिलहाल जो होता है अपना T20 ब्लास्ट उसके अंदर खेल रहे हैं, और वहीं से जो है डायरेक्टली फर्गुसन 100 बॉल में भी खेलते हुए दिखेंगे।
तो अभी जो है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंकित चौहान। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, श्रीसंत के साथ में जो एक और खिलाड़ी का नाम आया था स्पॉट फिक्सिंग में, वो थे मुंबई के अंकित चौहान, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अंकित चौहान के ऊपर जो है भाई अपनी होती है जो बीसीसीआई, ये लोग ने लाइफ टाइम का बैन लगाया था फिक्सिंग को लेके। लेकिन भाई अंकित चौहान ने जो रिक्वेस्ट किया कि उनको प्रोफेशनल क्रिकेट यानी कि जो है डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलने का मौका दीजिए, तब इसी चलते जो है होती है अपनी बीसीसीआई, ये लोग ने जो है थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट करके अंकित चौहान के ऊपर से लाइफ टाइम का जो बैन है उसको हटा दिया, और वो जो है अभी से हम सभी को भारत के लिए डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलते हुए दिखने वाले हैं, जिनका नाम है अंकित चौहान। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी 2025 की। तो भाई यहाँ पे जो है खबर आ रही है कि जो बोर्ड है बांग्लादेश, इनके बोर्ड ने ऐसा बोला है कि जो 2025 का चैंपियन ट्रॉफी है इसको जो है हम लोग अपने देश में होस्ट करना चाहते हैं, इसको लेके जो हम लोग बिडिंग करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों क्या हुआ था कि जो ICC ऐसा बोल दिया कि हम लोग जो है जो बिडिंग का प्रोसेस है उसको मतलब कि बंद कर देंगे, और जिस भी देश में कुछ भी होस्ट करना है इसका जो फैसला है हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं भाई इसको लेके ICC क्या अपना फैसला सुनाती है। वहीं जो है लास्ट में बात करते हैं मुशफिकर रहीम की, तो जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो मई के महीने का परफॉर्मेंस है प्लेयर ऑफ द मंथ, इसमें जो है मुशफिकर रहीम इस जो है प्लेयर अवार्ड को जीत चुके हैं। भाई मई के महीने में जो है शानदार रहीम ने वर्सेस श्रीलंका काफ़ी शानदार इनिंग्स खेली, इसके वजह से इनको ये अवार्ड मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने जो है भाई वनडे क्रिकेट के इतिहास में जो होता है फाइनल ओवर लास्ट ओवर में जो है 6 रन या फिर उससे कम रन जो है डिफेंड किए हो 2 बार, वो है भाई सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर। जहाँ पे जो है भाई सचिन ने वनडे क्रिकेट इतिहास में जब भी जो है फाइनल ओवर में 6 रन या फिर उससे कम रन जो है डिफेंड कर चुके हैं, बल्कि एक बार नहीं दो बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं, सिर्फ वो इकलौते ऐसे प्लेयर है। ये थी हमारी आज की न्यूज़, वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को बता दी। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।